नमस्कार सभी को। काफी कुछ तो भावना ने ब्रीफ कर ही दिया है, जितनी बातें वहां पे हुई है। और मैं एक बात और कहूंगा कि काली नहीं, हम तो दिवाली तो अच्छे ही मनाएंगे चाहे कुछ भी हो। ये चीज जरूर है कि हम मनाएंगे ही नहीं। अगर हमारा काम नहीं होता तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इसी जोश और जज्बे के साथ, इतनी हिम्मत के साथ लगातार यहाँ बैठे रहेंगे। जब कोई लड़ाई होती है तो उसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा है। कोई भी लड़ाई का कुछ भी काम हो, जिंदगी में भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे हमेशा एक जैसी नहीं चलती। कभी हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे होते हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, हम नहीं भी प्रयास करते तो भी अच्छा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत प्रयास होते हैं कि रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन आगे जो अच्छा उसी के साथ होता है जो अपने अंदर धैर्य बनाए रखता है, ऐसे टाइम पे टिका रहता है, टूटता नहीं है। और अगर हम टूट जाते हैं तो हम नुकसान, उसका नुकसान भी हम ही उठाते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, पढ़ाई लिखाई में होता है, जो बच्चे टिके रहते हैं, जो कर जाते हैं कुछ ना कुछ, और जो बेचारे हिम्मत छोड़ जाते हैं, क्या होता है फिर उनके साथ। तो वही चीज़ें, हमें लड़ाई लेके चलनी है तो हमें हिम्मत नहीं छोड़नी, हमें टिके रहना, बिल्कुल टिके रहना, चाहे कोई भी कुछ भी हो। और अभी बात आ रही है नेगेटिव को लेकर, नेगेटिव मुझे तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। अगर पर्सनली मैं कहूँ, मुझे कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक जनवरी महीने में जो 12 तारीख को हमारे बीच में सत्येंद्र जैन जी ने आके बोला था, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर वो दबाव दिखता है। मुझे मिलते हुए जब से सरकार बनी है, जब से मैं लगातार ही मिलता आ रहा हूँ, और हर बार जब उनसे बातचीत हुई है तो जो एटीट्यूड हुआ करता था वो अब नहीं है। अब क्यों नहीं है कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, अगर हम पूरा ना कर पाए तो हम खुद नजरें चुराने लगते हैं। ये जिंदगी में हमारे साथ होता है कि हमने किसी से आपसे कुछ, हमने कोई वादा कर दिया, कोई बात कह दी और उस बात को हम पूरी ना कर पाए, फोन आएगा तो यार तू उठा अटेंड कर ले, ऐसे बोल दे, ठीक है, घर पे नहीं है, तो हम मुंह छुपाने लगते हैं। तो वो चीज का असर तो है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है, उसको जो अपनी कही हुई बात है उसका दबाव उस पर नजर आ रहा है। वो कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत करने वाली है। तो इस चीज को लेकर एक तो हम पहले से खुद डट के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ के ऊपर से कोई खतरे वाली चीज भी कोई नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है, टिके रहना। इतने दिन हमने निकाले हैं, संयम धीरे के साथ निकाले हैं। कभी भी कोई चीज ऐसी आती है कहीं से, एक चीज और होती है बार बार, कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है अंदर से निकल के, जिसका हमें भी नहीं पता होता। हम दूसरे से सुनते हैं, हम किसी जगह पर्टिकुलर जगह होके आ रहे हैं, कई जगह पता करके आ रहे हैं, कोई हमें कहीं से पता लगता नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे है। अब वो अफवाह फैलती है, फिर हमें उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना होता है, हमें समझाना ही पड़ता है। तो कोई भी बात अगर कहीं और से, किसी और माध्यम से आ रही है, कोई अफवाह उड़ रही है, तो बिल्कुल अधीर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको मन से बताई जाए और मन से ऑथेंटिकेट बंदे से बताई जाए, वही भी बात आप मानेंगे और किसी बात पे आप ध्यान नहीं देंगे। और ना ध्यान इस चीज को लेके दूसरे एक दूसरे को हम कहते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है, हम दूसरे से बात करते हैं, उसको भी नेगेटिविटी दे देते हैं। तो इस पर कोई विषय में कोई चर्चा नहीं करनी, कन्फर्म करना है। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को कुछ पता लगता है, कन्फर्म करना, मुझे भावना को फोन करके कन्फर्म कर सकते हैं इस चीज को लेके, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है कोई भी। अब ये बात है कि अब इतने दिन से हम आज हमारे कहते हैं कि स्ट्राइक के रिकॉर्ड टूट गए सारे के सारे, हालांकि हमने रिकॉर्ड बनाने के लिए स्ट्राइक नहीं की थी, कि हमारा कोई उद्देश्य हो कि हमें कोई नए रिकॉर्ड स्थापित करने या कुछ भी करने, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं की थी।